हाई गाइज, वेलकम बैक टू गुरुकुल चिलीज। मैं हूँ रुधीर। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग देखने वाले हैं पवन सिंह रेज्ड पाकिस्तान भोजपुरी फनी रोस्ट, फनी एक्शन रोस्ट। ए फॉर ए के चैनल से है ये, तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू चेक इट आउट। सजा देने में इतनी जल्दबाजी क्यों? हिंदुस्तान से आपका दामाद आया है अपने बेगम को ले जाने, पहले उससे तो मिल लीजिए। कोने भाई, सच में मिलना चाहेंगे हम भी, आप मिलना चाहोगे ना? बिल्कुल, बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। ओ माय गॉड, पवन भैया आ रहे हो भाई, एक्शन देख रहे हो तुम, कितना खतरनाक है। पीछे पाकिस्तान का झंडा, इसका मतलब ये लोग पाकिस्तान में। क्या बात कर रहे बाबा? और ये हमारे भोजपुरी रोकी भाई आ रहे, देखो क्या स्टाइल के साथ। क्या बात है सर, आ गया मौत के मुंह में। क्या लगता है तुझे, ऐसे यहाँ से जिंदा लेके जाएगा? अबे लगता है वो बंदा लेके जाएगा, तू लिखवा के ले ले मेरे से पूरे कागज पे। तूने क्या मेरे को ये ना समझाएगी? पाकिस्तानी भाई, तूने नहीं देखा इनका फॉर्म, भोजपुरी वाले ये। हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, खून खराबा हमारा मकसद नहीं, मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हैं। प्यार से रुखसत करोगे सलाखों पर बिठाएंगे, वरना दहेज में पूरा पाकिस्तान लेकर जाएंगे। क्या बात है पवन भैया, मतलब पाकिस्तान की जमीन पे खड़ा होके सामने पाकिस्तानी गुंडे को तुम ऐसा खतरनाक वाला धमकी दे रहे हो भाई। पवन भैया है तो कुछ भी हो सकता है। ताली बजाओ, ताली बजाओ। शाबाश मेरे शेर। सच कहा है किसी ने, तुम हिंदुस्तानियों के पास दिमाग नहीं होता। अच्छा बेटा, हमारे पास दिमाग नहीं होता। तू पागल है क्या? अगर दिमाग होता तो मौत को दावत नहीं देते। वो मौत को दावत नहीं दे रहे, तेरे को मौत के पास ले जाने आया है। अच्छा, दिमाग की तो बात ही मत कर, जितना तुम पाकिस्तानियों का दिमाग होता है ना। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। उतना हम हिंदुस्तानियों का खराब रहता है। देख लिया ना कितना दिमाग है। अभी भी पाकिस्तानियों, प्लीज माफी मांगो पवन भैया से, और जो ले रहे ना वो दे दो उनको। जैसा आप कहोगे वैसा करेंगे। हवाओं में जहर घोलने वाले, सुन, फिजाएं हमारे इशारों पे बदलती हैं। तू क्या मिटाएगा हस्ते हिंदुस्तान की, हम शेरों के जिगर में माँ भारती बसती है। क्या बात है पवन भैया, मतलब आप बहुत खतरनाक हो। वैसे इसलिए नहीं कि आप एक्शन दिखाते हो, आपके डायलॉग भाई साहब माइंड ब्लोइंग। पाकिस्तानी मुसलमान भारी भारी। अरे तुम लोग तो एक दूसरे के खून के प्यासे हो, तुम लोग इस्लाम के नाम पे धब्बा हो धब्बा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। चुप हो जा, हम तेरे जैसे मुसलमानों को भी काफिर कहते हैं। सुन लिया आप सबने? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हिंदुस्तान में हम भाई भाई की तरह रहते हैं। अच्छा, हम इसे अपनी लड़की देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त, अपनी बीबी के लिए हमें तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। अरे बस करो यार, ये तो पूरी कॉपी लग रही गदर फिल्म की। बात तो सही है। अब ये क्या करवाएगा भाई, इधर से हिंदुस्तानी झंडा मंगवा रहा, ये देखो गधा हिंदुस्तानी झंडा लेके आ रहा है। भाई हिंदुस्तानी झंडा हिंदुस्तानी के हाथ में अच्छा लगता है, गधों के हाथ में अच्छा नहीं लगता। बात तो सही है। ये तुम्हारा पहली बात तो इसे ऊपर कर, हमारे सामने जलाओ और रुखसार को ले जा। क्या बोल क्या रहा है बे तू? झंडा जलाने जा रहा है। पवन भैया ने ऐसे करके आग ही पकड़ लिया। आज जल जाए तो जल जाए, झंडा नहीं जलने देंगे भाई। क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी? सांस का एक कतरा भी बचा रहेगा जान में, आज नहीं आने देंगे तिरंगे किसान में। बिल्कुल सही बोला पवन भैया, एकदम 100% सही है। ये पाकिस्तानी ऐसे नहीं सुनेंगे, इनको है ना मार के पीट के, और इनका ना एकदम झंडा गाड़ दो वहीं पे। ये बड़ी अच्छी बात कही है पवन भैया, डायलॉग मार रहे। पीछे देखो सारे पाकिस्तानी गधे की तरह सुन रहे, क्या डायलॉग है, क्या डायलॉग है। अरे पाकिस्तानियों, एक बार हमारे सनी पाजी गए थे तभी भी तुमने यही काम किया, पवन सिंह गए फिर यही काम कर रहे हो, क्यों पंगे लेते हो भाई? अच्छा लगता है। जय हिंद, जय हिंद। कमेंट में बोलो भाई जय हिंद, जय हिंद, फट फट जय हिंद बोलो। खत्म करो इन कमीनों को। जय श्री राम, जय हिंद। हैं? ऊपर कुर्ता नीचे भगवा, क्या बात है पवन भैया, क्या बात है। बम बम लगा के एकदम पूरा, अब सब गए पाकिस्तानी, तुमने बहुत बम फोड़े, एक बम हमारा भोजपुरी वाले भैया का बस हवा निकल गई। शुरुआत इतनी खतरनाक हुई है, आगे क्या होगा भाई, दिल पे हाथ रख लो। मगर क्यों, कुछ हो गया तो अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, लड़की को चार तरफ से गुंडों ने घेर लिया, देखो क्या हंस रहे गुंडे। हा, 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 इनको पता नहीं है भोजपुरी फिल्म है, इसमें कुछ भी हो सकता कभी भी। अच्छा, ए गुंडा ये देखो, ये कैसा झोला छाप गुंडा आ गया, झोला छाप भाई लड़की के साथ करने क्या वाला है, क्या करने वाला है गुंडा। देख कुछ गलत मत करना, क्योंकि मेरा वीडियो बहुत सात्विक शाकाहारी रहता है। हाय, एक मिनट भाई, ये कहां से आया बीच में? मेरे को लगा कोई इधर से आएगा उधर से आएगा, लेकिन ऊपर से कैसे तुम आ जाते हो यार? I don't know. लड़की खड़ी है, अब गुंडा आ रहा है चल के हंसते हुए, दोनों के बीच में देखो गैप नहीं है कि कोई बिल्कुल नहीं है जगह। ये बंदा फिर भी प्रकट हो गया बीच में, कहां से वो मुझे नहीं पता, लेकिन कैसे हुआ ये डायरेक्टर बताएगा हमें। डायरेक्टर साहब बता रहे हो क्या? नहीं।
ओ भाई क्या एक्शन है। वाह मेरे शेर वाह, जैसे आया था ऐसे उड़ के फिर वापस उड़ के गया हवा में, दो लात मारा, एक इधर गिरा, वाह वाह क्या बात है। अब तो लड़की फोन में आ गई है, देखो क्या फाइटिंग कर रही है, वाह। और लड़के से पिट रहे ये गुंडे लोग, क्या गुंडा है तू, तेरे को देख के तो मेरी गुंडा बनने की इच्छा। भाई मैं रोस्टर हूँ, गुंडा नहीं हूँ। सॉरी। क्या बात है भाई, इस डेड पसली को देखो तुम एक बार। नहीं, इस डेड पसली में इतनी जान है कि ये बंदे को ऐसे उठा के फेंक सकता है। No! कैसे फेंक रहा है भाई, इतना फेंक तो कोई नहीं करता, इतना तू कर रहा है। गजब डूबी वाला आदमी, चेहरा देखो कैसे कर रहा, लगता है इसको जोर की लगी है, पेंट में कर देगा ये। लेकिन उसके बाद भी इतना खतरनाक एक्शन दिखा रहा, इसको किया इधर और इसको लात मारा, देखो कहां जा रहा। हां ये कर लो पहले। ओ भाई साहब, एक लात में बंदे को फ्लिप करवा दिया, चार पांच बार ऐसे करके। भाई साहब सब कराओ लेकिन कम से कम इससे मत करवाओ, इसकी बॉडी देख के थोड़ा विश्वास करना मुश्किल है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। क्या गुंडा है रे तू, क्या गुंडा है तू, खुद ऐसे करके ऐसे पोजीशन में आ गया कि हाँ अब हीरोइन तू मेरे को लात मार, मैं ऐसे करके गुलाटी मारूंगा खुद ही। कुछ भी, एक बार अच्छे ढंग से इसका चेहरा देखो भाई, पहले तो ये पुलिस में कैसे गया ये नहीं सोचेंगे कि हो सकता है जुगाड़ पान लगा के चल गया हो इधर उधर से टेबल के नीचे से। लेकिन भाई तू ऐसे मार के ऐसे बंदे को भेज रहा, नहीं पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तू समझा, ऐसे करके ऐसे मारा, वो गुंडा उड़ता हुआ दूर गया। देखो खुद हीरो को विश्वास नहीं हो रहा है, खुद का ताकत मेरे अंदर तो कुछ है ही नहीं, कैसे गया कैसे वहां तक, वो खुद कंफ्यूज है देखो। हाँ भाई तू लड़की से ही पीट, तेरे नसीब में और कुछ नहीं है भाई, लड़की से पीट क्या लड़की को पीट नहीं सकती है भाई, बड़ा गलत वो वहम है तुम्हारा। देखे तो भाई गुंडे के मजे है, पिटना भाई नसीब में है इसके, पता हरामी हो। अगर ऐसे पिटाई होती है तो 200 रुपए भी मिलेंगे और गुंडा बनने में तो फायदा ही है, फिर चलेंगे अपन भी यार। शट अप, ए गाड़ी स्टार्ट कर। सॉरी पूजा, हमारा चलते तू परेशान हो गई लू। क्या हो रहा है ये भाई, ये इसको इससे प्यार हो रहा है, लड़की तू पागल हो गई है। नहीं एक बार आंखें खोल, आंखें नहीं खुल रही तो चश्मा भिजवाऊ, चश्मा लगा के देखना। ये क्या सुन रहा हूँ मैं, लड़के को देखो खुद को विश्वास नहीं हो रहा है, ये मेरे पे लाइन मार रही है, वो उसका चेहरा देखो झिंगूर का कैसा है, क्या है इसमें झिंगूर जैसा चेहरा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब ओके, 2 लाख करवाने जल्दी करो ठीक है। बाकी देखते हैं किसका बैंड बजाना, जिसका बजाना हो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करो। अरे भाई मिलके बजाएंगे बैंड, ऐसे टुंडा ये बैंड नहीं है, चलो ठीक है जैसे बजाएंगे अभी चलते हैं, बाय बाय। He's so sweet यार, so sweet. काफी प्यार से, बहुत ही प्यार से रोस्ट किया, ठीक है, किसी को कोई इंसल्टिंग फील नहीं हुआ, है ना। रोस्टिंग ऐसे ही होती है, रोस्ट करो तो ऐसा लगा कि भाई नीचे से भुन रहा है इंसान, लेकिन ऊपर पता ही नहीं चले अय है क्या हो रहा है। कुछ वैसा ही था, ठीक है। देखो पवन भैया वाला वो जो सीन था, ठीक है, वो तो टोटल गदर का ही कॉपी था, है ना, टोटल गदर का कॉपी था, और हम सभी को पता है कि किस चीज़ से इंस्पायर्ड था वो तो ठीक है, ठीक। यहाँ ये दूसरा वाला भाई, अजीबो गरीब एक्शन सीन, मतलब हाथ पहुँच भी नहीं रहा है शरीर तक, गुंडा ऐसे ही गिर जा रहा है, है ना, और ऐसी फाइटिंग जिसमें कोई जीते ही ना, मतलब कुछ लॉजिक ही नहीं बन रहा था। वो एक मुक्का उल्टे हाथ से मार रहा है, जबकि हमेशा पंच जो होता है वो सीधे हाथ का ज़्यादा ज़ोरदार पड़ता है, ठीक है, उल्टे हाथ से पंच मार रहा है, वो इंसान दूर जाकर गिर रहा है, ठीक है, और वो भी ऐसा लग रहा है किसी ने उसको घसीट के उसके बाद फेंका है, मतलब क्या फूंक रहे होते हैं ये, मुझे नहीं समझ में आता, ठीक है। आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।